बाबा विश्वनाथ के दरबार में यही कुकर्म इस सरकार ने किया है कि महादेव के दरबार में जो पुराने हमारे ऐतिहासिक और जो हमारे धार्मिक मान्यताओं वाले मंदिर थे, शनि भगवान का मंदिर, वो पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। बाबा विश्वनाथ के दरबार के अंदर आप जाएंगे जहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पूरी कचहरी थी और वहाँ पर चार कोने पर मंदिर स्थापित थे। एक तरफ माँ पार्वती थी, एक कोने पर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर था, एक कोने पर अमुक्तेश्वर महादेव थे, एक सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था। सारी चीज़ों को साफ करके एक वहाँ पर एक मॉल रूपी पूरा माहौल बना दिया। 1008 शंख बजवाकर विश्व रिकॉर्ड कायम कराया और बाबा विश्वनाथ के दरबार में शंख बजवाया गया। मैं समझता हूँ काशीवासी होने के नाते, बाबा विश्वनाथ का भक्त होने के नाते, ये मुझे अच्छा लगा। इस बार काशी के लोग जागे हैं और जो बनारस के साथ अत्याचार तोड़फोड़ हुआ है, काशी का प्रत्येक नागरिक, एक एक नागरिक ये भूला नहीं है, इसका बदला 2022। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी इस वक्त एक ऐसी जगह पर हूँ जो मेरी जन्मभूमि है। मैं इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ, यहाँ से ही सारा कुछ सीखा और लखनऊ और दिल्ली की राजनीति पर लिखना और पढ़ना शुरू किया। ये गांव इसलिए खास है क्योंकि भारतीय सिनेमा में जो पंक्तियाँ लिखी गई, जिनसे भारतीय सिनेमा को जाना गया, उसका एक नाम इस गाँव में पैदा हुआ। अनजान जी का गाँव, समीर जी का गाँव, वो गांव जहां से भारतीय राजनीति और भारतीय फिल्म की दशा और दिशा तय होती थी। हमारे साथ एक दिलचस्प इंसान भी है, एक नाम जिसने मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती दी और ये बताया कि स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति का उत्तर प्रदेश वाला अध्याय कैसा होता है। हमारे साथ अजय राय जी हैं, पूर्व विधायक हैं पिंडरा विधानसभा सीट के, जो बनारस के बाहरी इलाके की सीट है। जो लोग दिल्ली बम्बई से यहाँ आते होंगे, वो एयरपोर्ट पर उतरते होंगे तो पिंडरा विधानसभा सीट में ही उतरते हैं। ये स्थानीय लोग मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर एक दरवाज़ा है, कई लोग इकट्ठा है, जैसे गांव में अमूमन दरवाज़ों पर इकट्ठा होते हैं। अजय राय जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ की जनता के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता कभी नहीं रखे हैं। अभी आप मेरे साथ काफ़ी देर से घूम रहे हैं, एक पारिवारिक भाव है हम लोगों का, एक पारिवारिक रिश्ता है और पीढ़ियां बीत गईं। मैं लगभग 25-26 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 27 साल से, और पिताजी थे, फिर बेटा, बेटे के बाद फिर उनका पोता, नाती, इस तरीके से रिश्ते आ गए। तो एक ये जो पारिवारिक भाव है, ये पिंडरा हमारा परिवार, ये हमारा शुरू से एक स्लोगन रहा है कि हमारे परिवार की तरह लोग हैं। तो निश्चित तौर से माहौल तो यहाँ के जो परिवार के सदस्य हैं ये बताएंगे कि क्या माहौल है, कैसे हैं। मेरे जिम्मा इन्होंने एक काम लगा रखा था, सेवा करना, कि आपको सेवा करनी है, चाहे वो अस्पताल में हो, खून की ज़रूरत हो, किसी को कहीं कोई समस्या है, परेशानी है, सड़कें नहीं हैं। इस गाँव में आपने बताया ना कि ये समीर जी और अनजान जी का गाँव है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ पर मुझे सड़क नहीं थी, सड़क थी ही नहीं, न पुल था न पुलिया था कहीं। सारी सड़कों को बनवाना, पुल पुलिया बनवाना, हैंडपम्प बिजली विद्युतीकरण कराना, ये मैंने 1996 से जो शुरुआत कराई वो लगातार हमने काम किया है। और वो हमने अपने लोगों का, अपने परिवार के लोगों का, जितनी मेरी क्षमता थी, उनके सुख में, उनके दुख में, घर से लेके घाट तक उनके साथ खड़ा रहा। अजय राय जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि मैं लोगों के साथ घर से लेकर घाट तक खड़ा रहा हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं और बताऊं इस गांव के बारे में। जो लोग खई के पान बनारस वाला से बनारस को जानते हैं, उस गाने की उत्पत्ति इस गांव से हुई। अजय राय जी ने हमें ये बात रास्ते में बताई जब हम इस चुनावी यात्रा में यहां पर पहुंचे। अजय राय जी का इतिहास ये है कि वो 1996 में एक ऐसे व्यक्ति को हरा कर पिंडरा विधानसभा, जो कि तत्कालीन कोलसला विधानसभा सीट थी, उससे विधायक बने, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव था इस सीट पर। आप 21 वर्ष विधायक रहे यहाँ, आपकी पहचान उस चेहरे के रूप में है जिसने नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनौती दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से आप बड़े नाराज थे, ऐसी क्या बात हो गई? देखिए ऐसा है श्रीरंज जी, हमारे जो मान्यताएं हैं वो धर्म की मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं। हम आधुनिकीकरण की धार्मिक बात नहीं जानते। हमारा जैसे कोई भी गाँव में, जैसे यहीं पर भगवान
एक साधु कुटिया है, एक स्थान है, उसका सुंदरीकरण जरूर होना चाहिए। उसको साफ सुथरा हो, वहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था हो, लाइट हो, बिजली हो, सारी व्यवस्था, पर उसको उजाड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में यही कुकर्म इस सरकार ने किया है कि महादेव के दरबार में जो पुराने हमारे ऐतिहासिक और जो हमारे धार्मिक मान्यताओं वाले मंदिर थे, अब सरस्वती फाटक, सरस्वती जी का मंदिर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा स्थापित मंदिर तोड़ दिया गया। फिर आप चले आए मंदिर के पास, शनि भगवान का मंदिर, वो पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। बाबा विश्वनाथ के दरबार के अंदर आप जाएंगे, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पूरी कचहरी थी और वहाँ पर चार कोने पर मंदिर स्थापित थे। एक तरफ माँ पार्वती थी, एक कोने पर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर था, एक कोने पर अमुक्तेश्वर महादेव थे, एक सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था। सारी चीज़ों को साफ करके एक वहाँ पर एक मॉल रूपी पूरा माहौल बना दिया गया। वो विश्वनाथ हम लोग मंदिर, बाबा का दरबार था, वो हमेशा रहेगा, पर जो वर्तमान की सरकार ने उसका एक मॉल का स्वरूप बना दिया, उसका एक आधुनिकरण कर दिया। अब वहाँ खाने पीने के भी सामान मिलेंगे, वहाँ पर बड़े बड़े आउटलेट्स भी खुलने जा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के लोग आराम से उस दरबार में खाना पीना खाएंगे। आप सोचिए, बाबा के दरबार में, महादेव के दरबार में, और वहाँ पर जाके लोग धार्मिक मान्यताओं के साथ शीश नवाते थे, माथा झुकाते थे। अभी आप देख लीजिए, सभी लोग यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि सभी धार्मिक लोग हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में, जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो मैं समझ पाता हूँ या सनातन धर्मी हूँ, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज तक कभी शंख ध्वनि नहीं हुई थी। कभी हुई हो तो कोई बता सकता है। और महादेव के दरबार में शंख नहीं बजते, महादेव के दरबार में घंट घड़ियाल बजते। हो गिरी बाबा, बताओ भैया, एकदम सही। कहीं भी बाबा का कहीं दरबार होगा, जहाँ भी, जहाँ शिव जी की आराधना होती है, वहाँ शंख नहीं बजता, घंटा घड़ियाल बजता है, नाग बजता है। पर पहली बार इस सरकार ने, व्यवस्था ने 1008 शंख बजवाकर विश्व रिकॉर्ड कायम कराया और बाबा विश्वनाथ के दरबार में शंख बजवाया गया। मैं समझता हूँ काशीवासी होने के नाते, बाबा विश्वनाथ का भक्त होने के नाते, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बनारस में अजय राय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, आपने उनको चुनौती दी है, आपका गणित क्या कहता है, कितनी सीटें आपकी पार्टी जीत रही है? अजय राय जी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का, एक विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा का चुनाव दो बार लड़ चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तीन बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 का और 2014 का कांग्रेस पार्टी का टिकट पर, 9 लड़े थे लोकसभा, 2009 का टिकट जो था वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से दो बार और एक बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं बनारस में कांग्रेस के लोग? अब देखिए ऐसा है, अब जहां ये बैठे हैं ये तो जीत ही रहे हैं, अपनी सीट जीत रहे हैं, आप जनता जीता ही रही है, अब ये पूछेंगे तो बता देंगे। दूसरा आप देखेंगे, अभी जो राजेश्वर पटेल की सीट डिक्लेयर हुई है वो भी जीत रहे हैं, दो सीटें अभी जो डिक्लेयर हैं दोनों सीटें जीत रही है कांग्रेस, राजेश्वर पटेल भी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। और निश्चित तौर से बनारस के अंदर ये पंडित कमलापति त्रिपाठी की धरती है, ये संपूर्णानंद जी की धरती है, ये श्यामलाल यादव की धरती है, ये बनारस जो है कांग्रेस की धरती है और कांग्रेस शुरू से यहाँ पर मजबूत रही है, लाल बहादुर शास्त्री की धरती है। तो ये धरती को इन लोगों ने एक धार्मिक चोला उड़ाकर लगातार इस शहर को हमेशा का इसको खराब करने का इन्होंने काम किया है। इस बार काशी के लोग जागे हैं और जो बनारस के साथ अत्याचार तोड़फोड़ हुआ है, काशी का प्रत्येक नागरिक, एक एक नागरिक ये भूला नहीं है, इसका बदला 2022 में। अजय राय जी कह रहे हैं कि बनारस में जो तोड़फोड़ हुई है, जो मंदिर का स्वरूप बदला गया काशी विश्वनाथ मंदिर का, जनता उसका जवाब बनारस में देगी। एक बड़ा दिलचस्प सवाल, हम पूरी राजनीतिक यात्रा में करीब 6000 किलोमीटर चलने के बाद बनारस पहुंचे हैं, जो कि मेरी भी जन्मभूमि है। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में कहाँ है? किस तरह से प्रियंका गांधी आती हैं, वो कैंपेन करती हैं, फिर लौट जाती हैं, ये ऐसे कैसे, मतलब लगातार जो एक जील है, एक मतलब बीजेपी के लोग लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? आप उठाकर देख लो, उम्बा में घटना घटी,
उम्बा में 11-12 आदिवासी मारे गए, कौन खड़ा हुआ? मेरा सवाल है आपसे, कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुए, बहन मायावती खड़ा हुई, कौन गया वहाँ पर? किस पार्टी के लोगों ने न्याय दिलवाया उम्बा सोनभद्र में? किसने न्याय दिलाया? प्रियंका गांधी खड़ी थी मोर्चे पे। खड़ा होना या उसके साथ दमदारी के साथ खड़ा होना कौन का? अखिलेश यादव घर में बैठे थे। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात काट दीजिए। उसके बाद आप उन्नाव चले आइए, उन्नाव में बिटिया के साथ बलात्कार करके उसको मार डाला गया, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया, उसके बाप की हत्या कर दी गई, कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुए, बहन मायावती खड़ा हुई, प्रियंका गांधी खड़ी हुई। उसके बाद आप हाथरस चले आइए, हाथरस में जिस तरीके से बच्ची को मारकर पेट्रोल डालकर जला दिया रात में, पेट्रोल डालकर जला दिया गया, कौन खड़ा हुआ? प्रियंका गांधी कांग्रेस खड़ी। उसके बाद अभी लखीमपुर खीरी में 5 किसानों के ऊपर मंत्री पुत्र के द्वारा गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई, कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुए। प्रियंका गांधी दिल्ली से आई, लखनऊ से निकल गई, लड़ते भिड़ते हुए गिरफ्तार हुई, सीतापुर में जेल में बंद रही, अखिलेश यादव खड़ा हुए, महुजन मायावती खड़ा हुई, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। कांग्रेस वसूल की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है, और वो जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बर्बाद किया, उस परिवार के साथ रेप किया, उस पूरे परिवार को समाप्त करने का प्रयास किया, उसकी मां को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के उन्नाव सदर से। और अखिलेश यादव ने क्या किया? प्रियंका गांधी के जो निर्णय थे उनका फॉलो किया और कहा कि नहीं, अब यहां समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, उनकी मां का समर्थन करेगी। तो निर्णय किसका अच्छा माना जाएगा आप पूछ सकते हैं भाई? कांग्रेस पार्टी का समर्थन माना जाएगा निर्णय, जिसने उसकी मां को टिकट दिया। क्यों नहीं अखिलेश यादव ने टिकट दिया? क्यों नहीं बहन जी ने टिकट दिया? तो कांग्रेस पार्टी आप देखते रहिए, अभी देखते रहिए क्या क्या होता है, कांग्रेस कैसी चीजों को आगे लेके चल रही है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित तौर से कांग्रेस पूरे प्रदेश में मजबूत होने जा रही है। अजय राय जी, 21 साल तक पिंडरा विधानसभा सीट जो पहले कोलसला थी उसके MLA रहे, उसके बाद चुनाव 2017 में बीजेपी के एक नेता से हारे, लेकिन इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और कह रहे हैं कि पिंडरा उनका परिवार है।